हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि गार्गी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से संबद्ध कॉलेज है। वहाँ से नॉन टीचिंग पोजीशन पर वैकेंसी आउट की गई है। मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने गार्गी कॉलेज की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, जहां पर आपको नीचे स्क्रॉल करने पर वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स मिल जाएंगे। जब अपॉर्चुनिटीज पर क्लिक करने के बाद सीरियल नंबर 1 पे ही यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक दिया गया है, जबकि सीरियल नंबर 2 पे आपको वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी। इन दोनों पीडीएफ फाइल पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के पीडीएफ फाइल ओपन होकर आ जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स दी गई हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिसे मैंने बहुत ही इजी वे में आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, जिसे समझना बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी है। सबसे पहले पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट की, बॉटनी में है। यहाँ पर अंडरसर्व कैटेगरी में 1 वैकेंसी है। अदर पोस्ट भी आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट का है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, यहाँ पर 80 के लिए 1 वैकेंसी है। दोनों पोस्ट की एलिजिबिलिटी, एज लिमिट एंड सैलरी सेम है। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, यहाँ पर 10+2 पास आउट मांगा गया है या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री मांगी गई है जो कि साइंस सब्जेक्ट में होना चाहिए, यानी कि आपका बॉटनी एंड केमिस्ट्री साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, या बीएससी मांगा गया है रिलेवेंट सब्जेक्ट में बॉटनी या केमिस्ट्री में। मैक्सिमम 35 ईयर के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर दिल्ली यूनिवर्सिटी या UGC रूल्स के हिसाब से ही यहाँ पर फॉलो होगा। एंड सैलरी लेवल 4 मिलेगी, जो कि 25,500 से लेकर 81,100 है। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की, अंडरसर्व कैटेगरी में, यहाँ पर ओनली 1 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में मांगा गया है, एंड साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में ये हो सकता है। डिजायरेबल में डिग्री या डिप्लोमा मांगा गया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, डिप्लोमा इन ऑफिस प्रैक्टिस एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में भी अगर आपके पास है डिप्लोमा तो आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। मैक्सिमम 35 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 7 की सैलरी यहाँ मिलेगी, जो कि 44,900 से लेकर 142,400 है। नेक्स्ट पोस्ट आपका जूनियर असिस्टेंट के, ST में 1 वैकेंसी है, WS में 1 है। एलिजिबिलिटी 10+2 या इसके इक्विवेलेंट डिग्री मांगी गई है, साथ ही कैंडिडेट के पास इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड भी मांगी गई है, जो कि 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए, जो कि कंप्यूटर टाइपराइटर पर किया जाएगा। मैक्सिमम 27 ईयर के कैंडिडेट यहां अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 2 की सैलरी मिलेगी 19,900 से लेकर 63,200। नेक्स्ट पोस्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए, अंडरसर्व में 2 वैकेंसी है, PWD HI में 1 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी 10th पास मांगा गया है, साथ ही सर्टिफिकेट कोर्स मांगा गया है लाइब्रेरी साइंस में या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में। अदर पोस्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट की, अंडरसर्व में यहाँ पर 10 वैकेंसी है, OBC में 2 है, EWS में भी 2 है, PWD LD में 1 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 15 है, अच्छी खासी वैकेंसी है इसमें लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए। एलिजिबिलिटी में 10th पास मांगा गया है या इसके इक्विवेलेंट को एग्जामिनेशन मांगा गया है, जो कि साइंस सब्जेक्ट के साथ में होना चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट की एज लिमिट एंड सैलरी सेम है। मैक्सिमम 30 ईयर के कैंडिडेट यहां अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 1 की सैलरी मिलेगी 18,000 से लेकर 56,900। अप्लाई मोड ऑनलाइन है। अप्लाई फीस अंडरसर्व OBC कैंडिडेट के लिए 1,000 है, SC ST WS कैंडिडेट के लिए 750 है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 23 अप्रैल 2022 है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जहां पर आपको सीरियल नंबर 1 पे ही लिंक मिल जाएगी। यहां पर व्यू डिटेल्स भी क्लिक करने के बाद एक इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहां पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसे लॉगिन करने के बाद फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट से संबंधित रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जा सकता है आपके बेसिक नॉलेज को चेक करने के लिए। एंड जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू जरूरी है वहाँ पर इंटरव्यू भी लिया जाएगा।
कैंडिडेट को ये सलाह दी जाती है कि वो अपने मेल आईडी को प्रॉपर चेक करते रहें, कॉलेज की वेबसाइट प्रॉपर विजिट करते रहे, ताकि टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन एग्जामिनेशन से संबंधित मिल जाए। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए देख लेते हैं। यहाँ पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन पर्टेनिंग टू स्पेसिफिक एरिया ऑफ द पोस्ट कंसर्न, जैसे यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैक्सिमम 100 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 2 मार्क्स का रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस से भी 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होंगे, रीजनिंग एबिलिटी से 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मैथमेटिकल एबिलिटी से 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश से 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स होंगे। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे, मैक्सिमम 300 मार्क्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। पेपर सेकंड में आपके बेसिक नॉलेज को चेक किया जाएगा, बेसिक नॉलेज पर्टेनिंग टू फंक्शनल प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ द वर्क प्रोफाइल ऑफ द पोस्ट कंसर्न, जिसमें सिचुएशन टेस्ट एनालिसिस वेयर द कैंडिडेट रिएक्शन वुड बी शाउट ऑन द गिवन सिचुएशन टेस्ट केस, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स विद स्पेशल रेफरेंस टू नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग डेटा एनालिसिस पैकेज इत्यादि पे एंड एसे पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए मैक्सिमम 200 मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा। 3 घंटे का समय यहाँ पर दिया जाएगा। इस तरह से पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों को मिलाकर मैक्सिमम 500 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे एंड यहाँ पर स्किल टेस्ट ऑन द स्पॉट लिया जाएगा, ओनली क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। नेक्स्ट स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए है। यहाँ पर रिटन टेस्ट में पेपर फर्स्ट में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें आपके जनरल साइंस से 60 क्वेश्चन 120 मार्क्स, यानी कि 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। जनरल अवेयरनेस से भी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी से 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मैथमेटिकल एबिलिटी से 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश से 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे, मैक्सिमम 300 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जबकि पेपर सेकंड में एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 आवर्स का समय दिया जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेबोरेटरी बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप के होंगे एंड 5 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 55 होंगे, मैक्सिमम 150 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। स्किल टेस्ट यहाँ पर ओनली क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है। नेक्स्ट स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन लेबोरेटरी अटेंडेंट का है। रिटन टेस्ट में आपके ओनली पेपर 1 होगा। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय यहाँ दिया जाएगा। जनरल साइंस से 60 क्वेश्चन 120 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी से 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मैथमेटिकल एबिलिटी से 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स होंगे, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश से 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे, मैक्सिमम 300 मार्क्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जूनियर असिस्टेंट के लिए पेपर फर्स्ट में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको 3 आवर्स का समय दिया जाएगा, जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मैथमेटिकल एबिलिटी से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। पेपर सेकंड में डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें एसे कंप्रेंशन या लिप राइटिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके लिए 100 मार्क्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इस तरह से टोटल मार्क्स आपके 200 रहेंगे एंड ऑन द स्पॉट टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें क्वालिफाई करने के लिए इंग्लिश में कम से कम 35 वर्ड फॉर्मेट होनी चाहिए स्पीड एंड हिंदी में 30 वर्ड फॉर्मेट आपकी स्पीड होनी चाहिए। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।